अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो जी, आज है ईद का तीसरा दिन और मैं आई हूँ अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट पे, जो के है जी मातम शनवारी। इसको आप मातम भी बोल सकते हैं, मतम भी बोल सकते हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन मैं इसे बोलूँगी मातम शनवारी। और यहाँ पे हम आए हैं डिनर करने के लिए, और माशाल्लाह से ये बहुत खूबसूरत सा रेस्टोरेंट बना हुआ है। और मैं जैसे ही अंदर जा रही थी और मुझे ये देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे भी बैठने का सेटअप था, लेकिन हमने सोचा कि हम ऊपर वाले पोर्शन में बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पे मुझे और ज़्यादा मज़ा लग रहा था। तो ये हम आ चुके हैं ऊपर वाले पोर्शन पे, जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छा सा बनाया हुआ है। और यहाँ पे सोफ़ा वगैरह रखे हुए हैं, तो हम भी जाके अपनी टेबल पे बैठ गए थे। और सबसे पहले तो फिर मैं हमने सोचा कि ऑर्डर कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेन्यू चेक कर रहे थे। तो मेन्यू इनका मुझे कुछ खास नहीं लगा, पुराना वुराना सा था, लेकिन बस जैसे तैसे करके हमने ऑर्डर कर लिया। और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आता है ऊपर बैठ के, और नीचे का ये व्यू देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस हम एंजॉय कर रहे थे, ऑर्डर दे दिया था, तो खाने का भी कर रहे थे वेट। और व्यू यहाँ के रेस्टोरेंट का बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। अभी मैं और मेरी सिस्टर आ गए थे थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी करने के लिए, और यहाँ से आप व्यू चेक कर लें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इस साइड पे नीचे कोई बर्थडे पार्टी वगैरह थी, तो यहाँ पे कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम भी चल रहा था, तो वही सॉन्ग्स वगैरह हम ऊपर भी इंजॉय कर रहे थे। और ये अभी हवा इतनी ज़्यादा थी, इतनी हवा थी, हवा कभी कभार ना डिस्टर्ब भी कर रही थी, लेकिन अच्छी भी लग रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो हवा वाला जो है वो रेस्टोरेंट अच्छा अब लगता है। लेकिन हवा बहुत ज़्यादा थी, तो फिर बाल बहुत तंग कर रहे थे, तो खोल के बाल आना यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था मुझे। और अभी हमारा खाना आ चुका है, तो खाना हमने सिंपली ऑर्डर किया था चिकन कढ़ाई विद नान एंड रायता सैलड, क्योंकि भाई हेवी खाने का मूड नहीं था, क्योंकि ईद है तो फिर गोश्त वगैरह ज़्यादा खा के वैसे भी हेवी फील हो रहा था। तो हमने चिकन कढ़ाई वगैरह जो है ऑर्डर की थी, जो कि लजीज इन टेस्ट। तो बस जी, खाना वाना खा के अभी तो बस हम ऐसे ही हवा एंजॉय कर रहे थे, जब तक हमारा बिल वगैरह हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ये खूबसूरत सा चांद दिखा, तो मैंने सोचा कि इसकी भी चले वीडियो बना लेते हैं। और बैकग्राउंड में सिंधी सॉन्ग्स चल रहे थे, ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि भाई कॉपीराइट वगैरह का है सीन, तो इसीलिए ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। और ये रहे जी मेरी अम्मी और मेरे भाई, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर, बहुत मज़ा ही आ रहा था। तो बस जी, अभी हम जा रहे थे वापस अपने घर, और ये देख लें इनका बैठने बैठने का सेटअप कितना खूबसूरत ही लग रहा है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, उनके लिए गेम्स वगैरह भी थी, और वो जो छोटे बच्चों के लिए गाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं वो भी थी, तो बच्चों को भी ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और ये है जी इनका फैमिली एरिया, यहाँ पर सारी फैमिलीज़ वगैरह भी बैठ के अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे ना आप सेपरेट भी बैठ सकते हैं, ये भी मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। अगर मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आऊँगी तो यहाँ पे ही बैठूँगी, ये इनका सारा जो है वो सेटअप है सेपरेट बैठने का, तो यहाँ पे सारी फैमिली सेपरेट बैठ सकती हैं और अपना खाना पीना जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर वापस, और हमें ऑल ओवर बहुत मज़ा आया आज।
यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और रेस्टोरेंट भी बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। तो आप सब आइएगा यहाँ पे, एंजॉय करिएगा। और ये बच्चों के लिए वीडियो गेम्स वगैरह भी थी। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर वापस, तो चलें इसी के साथ ही ये वीडियो करेंगे एंड। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।